वेलकम स्टूडेंट्स टुडे डिस्कशन टॉपिक इज क्लास एंथोजोवा एंथोजोवा जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड्स एंथोस से निकला है जिसका मतलब है फ्लावर एंड जोवा मतलब एनिमल्स विच मीन्स फ्लावर एनिमल्स इनका जो पल्प होता है उसकी जो लुक होती है वो फ्लोरल लाइक -like होती है डेट्स वाई इट्स कॉल्ड फ्लावर एनिमल्स इनकी कुछ खसूसयात हैं ये कलोनी बनाकर रहते हैं और ये तन्हाई में रहते हैं इनमें मिडोसा स्टेज जो है वो एबसेंट होती है इस क्लास के कुछ मेम्बर्स हैं जैसे सी एनिमोन्स हैं स्टोनी कॉरल्स हैं और सॉफ्ट कॉरल्स हैं इस क्लास की सारी की सारी स्पीशीज जो है वो मैरीन है एंथोसोवा का जो पल्प होता है वो हाइड्रोजोन से मुख्तफ होता है तीन वे से जो हाइड हमने क्लास हाइड्रोसोवा में देखा था कि जो माउथ है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ओपन होता है लेकिन इस क्लास में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है जो माउथ है वो पहले फेरिंग्स में ओपन होता है फेरिंग्स से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ओपन होता है नेक्स्ट टाइम मिजोकलिया फर्स्ट मिजोकलिया है क्या मिजोकलिया जो है ये जेली लाइक लेयर है जो कि एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में पाई जाती है एक्टोर एंडोडर्म के दरमियान में लाइक लेयर है जिसे हम मिजोगलिया कहते हैं मिजोगलिया जो है हमने हाइड्रोसोवा में देखा था कि मिजोगलिया जो है उसमें अमिबाइड मेजन सेल मौजूद नहीं है लेकिन क्लास एंथोसोवा में अमिबाइड मेजन सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये ऐसे सेल्स हैं जिनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती थर्ड है गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें जो गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो डिवाइडेड होती है पार्ट्स में सेक्शंस में डिवाइडेड होती है एक मेम्ब्रेन से और उस मेम्ब्रेन का नाम है मिजेंट्रीज मिजेंट्रीज क्या है इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्योंकि क्लास हाइड्रोजोवा में अगर हम बात करें तो क्लास हाइड्रोजोवा में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी वो सेक्शन में डिवाइडेड नहीं थी नेक्स्ट है सिमेट्री इसमें सिमेट्री जो है वो दो तरह से शो होती है अगर हम एक्सटर्नली इस एनिमल्स को देखें तो इसकी जो सीमेट्री है वो रेडियल सिमिट्री है लेकिन इंटरनली इसके जो मेजेंट्रीज और उसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं उनकी समिट्री को देखें तो वो समेट्री हमें बाय रेडियल समिट्री शो होती है अब फर्स्ट इसकी स्पीशी है सी एनिम्स जो सी एनिम्स है, हैं ये हैं तनहाई में रहते हैं ये बहुत बड़े होते हैं और ये कलरफुल है ये इनकी बॉडी बहुत कलरफुल होती है यूसियामुन है ये सब के साथ अटैच होते हैं कुछ बारो होते हैं और कुछ जो है वो सिम्बाइटिक uh, रिलेशनशिप में रहते हैं सिम्बाइटिक रिलेशनशिप जो है ये दो मुखलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान तलक को बोलते हैं अब जिस तरह हम आ, हम हमारे हम लोग हैं हमारे इंटीरियर और पोस्टीरियर रोता है और इनमें क्या होता है सेम इस तरह इनमें भी औरल डिस्क और पेडल डिस्क होती है पेडल डिस्क जो है जिस तरह ये हमारे पास डायग्राम है तो ये इसकी पैडल डिस्क है और ये वाली इसकी डिस्क डिस्क है। पैडल डिस्क जो है, पैडल जो से ये किसी चीज के साथ अटैच होता है पल्प जो है इसकी जो पल्प चेंज होती है पल्प होता है वो अपनी पैडल डिस्क के साथ सब्सट्रेट के साथ अटैच होता है ओरल डिस्क जो है इसके पास माउथ होता है और टेंटिकल्स होते हैं माउथ के दोनों साइड्स पे या एक साइड पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्विनो गल्फ कहते हैं जिसे हम स्विनो गल्फ कहते हैं इसका काम होता है वाटर को रेगुलेट करना वाटर की रेगुलेशन करना पानी इससे बाहर जाता है और बॉडी के अंदर आता है यानी इसका जो हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोस्टेटिक टाइटन है उसको ये मेंटेन करता है नेक्स्ट है मिजेंट्रीज जो मेजेंट्रीज़ हैं इनकी बॉडी में पेयर्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं एक्सटर्नली बॉडी जो वॉल होती है इसकी जो बॉडी वॉल है एक्सटर्नली मिजेंट्रीज जो हैं बॉडी वॉल के साथ अटैचड होती हैं और इंटरनली फेरिंग्स के साथ अटैच होती हैं लेकिन बाज़ दफ़ा मिजेंट्री जो हैं बॉडी वाल के साथ तो अटैच हैं लेकिन इंटरनली जो होती है ये फ्री होती हैं अटैच नहीं होती मिजेंट्रीज का जो फ्री एंड है उसे हम मिजेंट्रियल फिलामेंट कहते हैं मिजेंट्रीज के फ्री एंड को मिजेंट्रियल फिलामेंट बोला जाता है जैसे ये मिजेंट्रीज हैं तो इनका जो ये फ्री एंड है जहाँ से ये खुले हो गए हैं जरा करल के इसको हमने बोल दिया मिजेंट्रियल फिलामेंट और मिजेंट्रियल फिलामेंट जो है इनके पास क्या होता है ये हम देखते हैं फिलामेंट जो है ये बीयर करती है निडोसिस्ट को निडोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स सीलिया सीलिया का काम होता है वाटर को रेगुलेट करना वाटर की रेगुलेशन में ग्लैंड सेल्स ग्लैंड सेल्स का काम होता है इंजाइम को सिक्रीट करना जो खुराक को डाइजेस्ट कर दें और इनके पास सेल होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड जो डाइजेस्ट की होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं सो so, ये मिजेंट्रियल फिलामेंट्स के पास ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो मिजेंट्री फिलाेंट है इसके पास निडोसिस्ट होता है सीलिया होता है गेस्टिक ग्लैंड होते हैं और वो सेल्स होते हैं जो खुरा जो डाइजेस्ट हो गई हुई है उसकी आब्जॉर्बन करने के लिए अब जो मिजेंट्रियल फिलाेंट है ये एंड होता है किस में एक में ये मिजेंट्री फिलाेंट है और ये एंड हो रहा है एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है एकांशिया अब नेक्स्ट है मसल फाइबर्स मसल फाइबर गैस्ट्रोडर्मल है इसमें दो तरह से हो मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल गैस्ट्रोडर्म में दो तरह की मसल हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लॉन्गिट्यूडल मसल जो हैं ये मिजेंट्रीज तक महदूद होते हैं और जो सर्कुलर है ये गैस्ट्रोडर्म के कॉलम में पाए जाते हैं जब सी ए को, को खतरा होता है जब कोई ख़तरा होता है तो देन क्या होता है इसके जो लैंगट्यूडल मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो पानी होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा जब बॉडी से पानी बाहर निकल जाएगा तो ये जो सी एनिमुल है वो फोल्ड हो जाएगा और कोलैप्स हमें शो होगा अब इनका जो हाइड्रोस्टेटिक कैल्टन है ये तो मेंटेन नहीं रहा तो दोबारा से इसको ये मेंटेन कैसे करते हैं ये एस्टेब्लिश कैसे करते हैं हमने एक स्ट्रक्चर का नाम लिया स्टार्ट पे स्विनो स्विनोकल्व का जिसका काम होता है वाटर की रेगुलेशन में सो so, उससे पानी इसके मौत में एंटर होगा मौत से इसकी गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आएगा और इसका हाइड्रोस्टेटिक स्कैल्टन जो है वो दोबारा से मेंटेन हो जाएगा ठीक है जी नेक्स्ट है लोकोमोशन ये मूव कैसे करता है तो ये मूव तरीक़ों से करता है ग्लाइडिंग फर्स्ट है ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग मतलब जंप करना एक जगह से दूसरी जगह जंप लगा कर जाना तो ये जंप लगाता है अपने पैडल डिस्क की मदद से ये क्रॉल या वॉक भी करते हैं ये क्रॉल और वॉक कैसे करते हैं अपने टेंटिकल्स की मदद से ये स्विम भी करते हैं अपनी बॉडी से या फिर अपने टेंटिकल्स की मदद से और नंबर फोर पे फ्लॉट ये फ्लॉट भी करते हैं फ्लोटिंग कैसे करते हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं गैस बबल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर इनकी पेडल डिस्क के फोल्ड में गैस बबल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी जो पेडल डिस्क है वहाँ पे फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग में गैस बबल्स होते हैं और उन गैस बबल्स के बिना पर ये फ्लोट करना शुरू कर देते हैं अब नेक्स्ट है फीडिंग ये खाते क्या हैं तो ये खाते हैं इनवर्टिब्रेड्स को और फिशेस को अब ये इनको खाते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर कैसे लेके जाते हैं टेंटिकल जो होते हैं वो प्रे को कैप्चर करते हैं वो शिकार को पकड़ते हैं और माउथ के पास लेकर आते हैं अब कुछ रेडियल मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं माउथ को ओपन करते हैं ताकि वो फूड को पकड़ सके जो टेंटिकल्स लेकर आए रेडियल मसल का काम होता है माउथ को ओपन करना ताकि वो फूड को ले सके और गेस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी में बेच सके नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअली भी होती है और एसेक्सुअली भी होती है ए सेक्सल रिप्रोडक्शन इसमें तीन तरीकों से होती है फर्स्ट है पैडल लेक्रिएशन पैडल लेक्रिएशन हमने स्टार्ट में बात की है कि इसमें ऊपर वाले सर्विस को हम कहते हैं ओरल डिस्क और नीचे वाली जो है ये इसकी पैडल डिस्क है अब क्या होता है अब इसका जो पैडल डिस्क है ये टूट जाती है ब्रेक हो जाती है और इससे लैदा हो जाती है इससे गिर जाती है टूट कर अब पैडल डिस्क जो है इससे गिर गई है टूट गई है अब वो जो पैडल डिस्क है वो ग्रो करती है और ग्रो करके कंप्लीट जो है इंडिविजुअल बना देती है सी यानी मून बना देती है कंप्लीट तो इस तरह से जब सी एनिमून की फॉर्मेशन होगी तो उस समय हम कहेंगे पैडल लेक्रिएशन अब नेक्स्ट है इसका मेथड ट्रांसफर्स फैशन uh, और लॉन्गीटूडनल फिशन लॉन्गीटूडनल जब दरमियान से इसकी बॉडी कट होगी दरमियान से जब इसकी बॉडी कट होगी तो इस साइड वाला जो हाफ है वो अपने वाला हाफ़ जो है वो दोबारा रिजनरेट कर लेगा और इस इस साइड वाला हाफ़ अपने हाफ को दोबारा रिजनरेट कर लेगा इसको हम कहेंगे लॉन्गीट्यूडनल फिशन अब थर्ड है ट्रांसवर्स फिशन अगर इस सी एनिमोन की बाडी दरमियान से कट हो जाए अगर दरमियान से कट हो जाए तो नीचे वाला पार्ट जो है वो ऊपर वाले पार्ट को दोबारा रिजनरेट कर लेगा और ऊपर वाला नीचे वाले को दोबारा रिजनरेट कर लेगा सो तो इस तरह से जो सी एनिमोन की फार्मेशन है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स फिशन अब नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल जो है ये मोनीशियस भी हैं और डायोशियस भी हैं मोनीशियस मतलब कि जिसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है एक ही स्पीशी में प्रेजेंट होते हैं और डायोशियस जिसमें मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं फर्स्ट हम देखते हैं मोनीशियस को अगर तो मेल गमेट जो है वो पहले बन जाए अगर मेल गमेड्स पहले बने तो हम उसे कहते हैं प्रोटेंड्री रो का मतलब होता है फर्स्ट और एंड्री का मतलब होता है मेल सो जिसमें मेल गनेट्स फर्स्ट बनते हैं इसके गेड्स अब कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये इसके गुनेड्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनी मिजेंट्रीज के बिहाइंड मिजेंट्रीज के पीछे लॉन्गिट्यूडली अरेंज्ड हैं तो ये इसके गड्स हैं जो मिजेंटी फिल्मेंट से पीछे होते हैं फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल भी होती है और इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी वकूप होती है इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी हो सकती है फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड uh, एग है वो प्लेनोला लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है जो प्लेनोला लार्वा है वो पल्प बना देता है और पल्प से यंग सी एनिमोन पल्प जो है वजूद में आता है यंग सी एनिमोन पल्प जो है वो अडल्ट जो है सी एनिमोन बना देता है